हेलो बच्चों, यार आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज है 3.3 एनसीईआरटी क्लास 11। देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। अनदर क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 प्रूव करना है 3/2। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6 कॉसेक स्क्वायर 5 पाई अपॉन 6 प्लस 10 कॉसेक स्क्वायर नहीं है, कॉस ऐसे ही है कॉसेक वाला, 3 10 स्क्वायर पाई अपॉन 6 इक्वल टू 6 और ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये आपके पास चार क्वेश्चन हैं, जिसमें से तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा और चौथा क्वेश्चन जब आप वीडियो देख लेंगे तो इतना तैयार हो जाएगा कि आप अपने आप इसको कर पाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ दूंगा, आइए देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं, यानी रेडियन पाई क्या रिलेशन है, कैसे क्या आया क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं यार। तो सबसे पहले पाई, ये रेडियन होता क्या है? रेडियन होता है 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर दैट आर हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, यानी एक वो रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? रेडियन वो एंगल है जो उस आर के थ्रू बनाया जाता है, उस आर के थ्रू बनाया जाता है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो। सिंपल ऐसा समझ लो, यानी वो एंगल जो उस आर्क के थ्रू सेंटर पे बने जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो, ऐसी बात कही जा रही है। 1 रेडियन इज द लेंथ इज द एंगल सस्टेंडेड एट सेंटर बाय द दैट आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला कुछ पढ़ रखा था लेंथ ऑफ आर्क का, कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ये होता था। यार इसको अगर ये हम ये काट लेते हैं तो ये थीटा अपॉन 2 से इसको काट दो तो ये थीटा अपॉन 180 पाई आर इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो कि हमने बताया कि लेंथ ये आर्क उतना ही लंबा है जितना रेडियस है, तो भाई रेडियस लिख दिया। तो इस तरीके से थीटा इक्वल टू, अगर थीटा निकालो तो ये 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा, और इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगी। तो ये एंगल, यहाँ ध्यान रखना कि हम इसको एंगल दिखा रहे हैं, यहाँ आप 1 रेडियन लिख सकते हैं। तो अगर जब 1 रेडियन लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से किसी इसको मल्टीप्लाई करो तो ये पाई की वैल्यू 180 सीधे सीधे हम ले सकते हैं, ये पाई इधर चला जाएगा। तो यानी 180 वन पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4, हमको ये प्रूव करना है 1/2 माइनस का। तो हमने बताया कि पाई की वैल्यू 180 हम ले सकते हैं, ये वैल्यू हमने ले ली। तो इस तरीके से ये एज इट इज़, इसको हमने वैल्यू रखी 180, इसकी वैल्यू रखी 180, इसकी वैल्यू रखी 180। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के देखो, ध्यान दो, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। स्क्वायर है तो एज इट इज़ लगा रहेगा, बाकी आपको मालूम ही है, टेंथ में आप लोग कर चुके हैं। इसके ऊपर स्क्वायर लगाया वैल्यू डाल के, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया और ये एज इट इज़ 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, काटेंगे 1/2 बनेगा, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू डाली। यहाँ मैंने दिखा रखा है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। इस पाई को उधर अगर शिफ्ट कर लें, 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो पाई रेडियन, ध्यान दीजिए, इक्वल टू 180। आगे चलते हैं सब। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6
इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है, इंटू कॉसेक, ओ कॉस स्क्वायर पाई अपॉन थ्री, ये थ्री अपॉन टू को करना है। देख लेते हैं भाई, तो ये तो एज इट इज टू, इसमें वैल्यू डाल, देखो ध्यान दो यहाँ पर ये एज इट इज, और अब हमने क्या बताया कि इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर जैसे ये वैल्यू लिखी है तो ये हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू डालते हैं उसके बाद होल उसका स्क्वायर करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो वही कुछ हमने यहाँ किया है। तो ये एज इट इज इसको स्क्वायर कर दिया, ये टू एज इट इज, यहीं इस तरीके से इसको। यहाँ ध्यान रखो कि ये हमने क्या चेंज किया है, पाई प्लस वन अपॉन, ओ वन अपॉन सिक्स लिखते हैं जैसे, तो पाई अपॉन सिक्स। यहाँ ध्यान दो कैसे ये आया, जैसे अगर सेवन अपॉन सिक्स लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन प्लस वन अपॉन सिक्स, वन प्लस वन अपॉन सिक्स, तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यानी सेवन पाई अपॉन सिक्स बना कैसे, ये बना पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सिक्स पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स, वही सेवन पाई अपॉन सिक्स बन जाएगा। तो ये कुछ यानी इसका जो हम तोड़ के लिख रहे हैं इसको, वो ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, तो हमने ऐसे लिख दिया भाई। फिर तुमको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये 180 होता है, तो हमने क्या किया भैया, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा वाला केस कुछ याद आ रहा है, तो वो लगाएंगे यार। हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है कि कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस, देखो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में कॉस का कॉस और सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक, ध्यान रखना। तो ये वैसा होता है, वो ASTC के अकॉर्डिंग साइन बदलते हैं, वो आपको वहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी यार। तो आगे चलते हैं, तो ये हमने ये वैल्यू डाल दी और ये वैल्यू, यहाँ पर इसको देखो माइनस था, इसको होल स्क्वायर किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस पर भी वर्क करेगा। तो ये भाई ये एज इट इज हो गया, ये एज इट इज हो गया, और ये यहाँ ध्यान दीजिए ये वैल्यू डाल दी हमने, ये 30 है, ये 30 है और ये 60 है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, तो ये वैल्यू डाली, इसी तरीके से इसमें वैल्यू डाली 2 हो गई, इसकी वैल्यू डाली ये 1/4। तो यार इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ये ध्यान दो ये 2 है 1/4, तो ये 1/4 हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर किया, और ये इंटू था बीच में तो ये 1/4, इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा पूरा 1, और इसको कैंसिल करो तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है देखो, कॉट स्क्वायर पाई अपॉन 6, कॉसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई अपॉन 6। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन हमको प्रूव करना है 6। तो ये भैया हमने कहा कि इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर दिया, इसमें स्क्वायर लगा नहीं है एज इट इज कॉपी, इसमें स्क्वायर लगा, इसको होल स्क्वायर कर दिया। फिर ध्यान दो ये एज इट इज स्क्वायर है, इसको फिर तो हम बताते चले यहाँ पर कि अगर ऊपर डिनोमिनेटर, देखो ध्यान दो, अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, वहाँ पिछले उसमें क्या था कि 7 था जो 6 से 1 बड़ा था, ये तो बात थी, एक ज़्यादा था। तो हमने क्या किया कि उसको जो है 1 प्लस थीटा, मतलब 1 प्लस 1/6 लिख दिया। यहाँ क्या है कि ये कम है तो इसको 1 माइनस 1/6 लिख देंगे, ख़त्म। तो ये इसका ये है, तो हम ऐसे ब्रेक करके ही इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो है ब्रेकिंग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस 1/6 यानी पाई अपॉन 6। ठीक, प्लस 3 टेन पाई अपॉन 6 होल, देखो ध्यान दो यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू डाल दिए, तुम चाहो तो ऐसे भी वैल्यू ये सीधे सीधे इसमें डाल सकते हो, अगर याद है इसमें जो आपके टेबल होता है उसमें ऐसा भी इसकी वैल्यू दी होती है ना, ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है। तो देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऐसे वैल्यू डाल सकते हैं, और अगर चेंज करके दिखाना है, यहाँ तो हमको समझाना था, इस वजह से हमने चेंज करके दिखा दिया। तो क्या हुआ कि हमको मालूम पाई की वैल्यू 180 डाल सकते हैं, बस सीधे सीधे वैल्यू डालेंगे, ये डालो और ये वैल्यू डालो, देखो तो ये हो जाएगा रूट 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसा, और
यहाँ ध्यान दो, इसकी वैल्यू तुमको याद रखनी पड़ेगी 2, और ये इतना 3 वन अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, और इसको जब काटेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, इससे कट के 1 हो जाएगा, ये हो गई वैल्यू 6। तो यार इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मैंने बताए, और आगे का जो क्वेश्चन है अब आप इतना समझ गए हैं कि कैसे इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और कैसे जो है 180 की वैल्यू लगाते हैं। तो बाकी जो है आपको अगला क्वेश्चन जो है वो अपने आप करना है। थैंक यू।